तुम डरना मत सीता, औरत के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तुम बहुत भोली हो, तुम्हारी जगह मैं होती ना। मेरे पिता के बारे में मुझे ही पता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, क्यों गुस्सा हो रही हो? आगे क्या, आओ आओ आओ, चढ़िए चढ़िए, देख के आराम से आराम से। हाँ मैडम, आप उधर जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अरे 5 मिनट लेट हो गया, पर ठीक है, उनको वहाँ नहीं छोड़े हैं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ए कमला, तू ये जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। मेरी बीवी को डिलीवरी पेन हुए 2 घंटे हो गए, कितनी देर से तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा मत बोल, चुप ही रहे। तुम्हारे बीवी के डिलीवरी पेन से ज्यादा मेरा पेन जरूरी है। अगर सही समय पे मैं ये बोट नहीं चलाऊंगा तो मेरा क्या होगा, तुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। थोड़ा भी लेट हो गया बोट चलाने में तो मैं नहीं रहूंगा। मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ, तू चाहता है कि मैं मारतांडव के हाथों से ही मरूं? तुम्हारी बीवी घर पे नहीं पैदा कर सकती है। मैं देखता हूँ कि मेरे बिना तू अपनी बीवी का डिलीवरी कैसे करता है। ये कोई डिलीवरी हॉस्पिटल है क्या? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मारतांडव की मौत के बाद ही हम लोग खुश रहेंगे। सुबह 9 बजे यहाँ से वहाँ तक एक ट्रिप, शाम को 4 बजे वहाँ से एक ट्रिप, यही मुझे पसंद है। लेकिन ऐसा क्यों? यही मेरा बिजनेस है। थोड़ा गाना सुनते हैं, वो टेप ऑन करो। लगता है सड़क जैसा गड्ढा पानी में भी है। ये देखो, यहाँ से वहां तक जो 2 एकड़ की जमीन दिख रही है और पास की वो नारियल की खेती, वो सब मेरा ही था। बहुत अच्छी जमीन है, कुछ भी उगाओ सब अच्छा ही उगता है, इसीलिए उस गुंडे ने हमसे छीन लिया। अब उसके बारे में बात करके क्या फायदा। छोड़िए ना उसको, बहुत देर से चल रहे हम लोग। क्या ना, वापस चलते हैं। हम लोगों ने तो पूरा गांव घूमने की बात की थी, अभी तो सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं। घूमना तो था अब, पर इतना नहीं घूमना था। अब यहाँ पर लड़कियां नहीं है क्या? हे भगवान, ये कौन आ रहा है? कोदंडम इधर। हाँ। क्या हुआ? उधर देख। हाँ, अरे बाप रे, अरे भाई मारतंडम के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जरूर यहाँ कुछ होने वाला है। 4-5 लोगों का सिर तो आज कट के ही रहेगा। ए डरपोक, किधर जा रहे हो? रुक जाओ, तुम्हारा वो पापी बॉस मारतांडम कहाँ है? उसको बोल मेरा बेटा आया है, आकर मिल उससे, एक एक का हिसाब करूंगी मैं। मुझे तो लगा था ये रोएंगे। तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? अब जाकर लेकर आओ अपने बॉस को। चाकू को कमर में रख के घूम रहे हो, मर्द हो क्या? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ हूँ। भैया ये बात करते करते अपनी वाट लगा देगी क्या? अगर एक बाप की औलाद है तो उसको बोलो सामने आए, मेरे पीछे कोई नहीं है, ऐसा समझे हो क्या? अरे वाह, औरत हो तो ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ यही काफी नहीं है, इसी तरह आदमी के पीछे बात करनी है और कुत्ते की तरह भौंकना है। इज्जत नहीं है और मारतंडे के सामने बात करने की हिम्मत आ गई है? तेरे बेटों के आने से ज्यादा उछल मत, समझ गई क्या? तू चुप रह, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। मेरी जगह पर ऑफिस के नाम पे बोट सर्विस शुरू करके तो देखो, मार डालूंगी सबको, तभी यहाँ सब लोगों की आत्माओं को शांति मिलेगी। मरे हुए लोगों को शांति देने के लिए भगवान ने तुम्हें भेजा है क्या? चुप बैठ। हम इतने दिनों तक चुप ही थे, मैं कब शांति? वो दिन तुझे याद भी है? इतने सारे लोगों के बीच हमारा चेहरा याद रखना बहुत मुश्किल होगा ना? कोई भी मुसीबत आए, तुम और तुम्हारे लड़के झगड़े पर ही उतर आते हो ना, सबका जिम्मेदार तुम हो, तो तुम कल झगड़े के लिए तैयार रहना। दौलत के लालच में तुम लोगों ने इन सभी बेचारे गांव वालों को जो धोखा दे रहे हो, उसकी पोल मैं सबके सामने खोल कर रहूंगी। यहाँ ये मेरा बेटा है, कल ही शहर से आया है, मारतांडम से या मारतांडम के किसी भी आदमी से कल मेरा बेटा लड़ेगा। गोदापुरम भगवान को साक्षी मानकर यहाँ खड़े सारे गांव वालों के सामने मैं कोटापुरा यशोदा मारतांडम को चुनौती देती हूँ। मैं ये चुनौती को स्वीकार करूँगा, लेकिन इस औरत की बातों में आकर बिल्कुल भी नहीं। मुझे चुनौती लेना पसंद है, मेरे सामने जो उंगली उठाएगा मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करूंगा।
लड़ाई में अगर तुम हार गई तो तुम और तुम्हारे बच्चों को गोदापुरम छोड़कर जाना होगा, ये बात याद रखना। कल मैं और मेरे लड़के लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे, समझ गई? रुको, सच्चाई से चुनौती का सामना करना। अगर ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए कल का सूरज नहीं उगेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। युद्ध भूमि में लड़ने के लिए मैं क्या कोई फाइटर हूँ या कोई बॉक्सर हूँ? एक बात बोल रहा हूँ, सुनो, अगर ये कारण है तो हम लोग नहीं रह सकते, समझ गई? हम लोग जा रहे हैं। तुम लोगों को रोकने का मेरा कोई अधिकार नहीं है बेटा, हमारे बीच कोई रिश्ता भी नहीं है, तो तुम क्यों मेरी मदद करोगे? मारतांडम से लड़ते लड़ते मैंने मेरे पति और बेटे को भी खो दिया है। हम सब यहीं रहते थे, मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं यहीं मरूं। ऐसा होना शायद मेरी किस्मत में नहीं है, मैं खुद को समझा लूंगी। मैं अपनी बेटी के साथ इस हाल में कहां जाऊंगी? ईश्वर, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? तुम लोग जब यहाँ आए मुझे लगा मेरी मदद के लिए मेरा कोई अपना है, पर ये तो मेरी गलत फहमी थी। मैं अपने आप को संभाल लूंगी। मैं तुमसे एक निवेदन करती हूँ, गांव वालों के सोने के बाद ही तुम दोनों यहाँ से निकलना। अगर तुम लोग अभी निकल गए, शहर वाले डर के भाग गए, ऐसा बोलकर गांव वाले हमें यहाँ से भगा देंगे। बस सिर्फ एक रात भगवान के लिए तुम यहाँ रुक जाओ। से आकर हमारी इज्जत बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन इसके बदले में मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। कल की होने वाली युद्ध के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। किस जगह जाएंगे हमें कुछ पता नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार वो भी नहीं है, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कीजिए। भावुक होके कुछ भी बोले जा रही हूँ, देर हो रहा है, अब आप निकलिए।